अस्सलाम वालेकुम लिब्रन, क्या हाल है आपका? यहाँ पे आपका प्रोग्राम रिकॉर्ड करूँगा, सीढ़ी पाए से ऊपर पैदल आ रहा हूँ। आज सारे प्रोग्राम मेरी कोशिश है कि आपके फील्ड में यहाँ पे बनाऊँ, और अगर शराज दिखा दे सामने तो ये जन्नत का टुकड़ा है। सीढ़ी पाए और सामने एक वो भी है, झील भी है, तो वहाँ जाके आपका प्रोग्राम रिकॉर्ड करता हूँ। लिब्रन आए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम लिब्रा, क्या हाल आपका? मैं आपका प्रोग्राम ये हफ्ता कैसा रहेगा अजमेर रहीम, ये 13 से 19 के दौरान। मैं पिछले 5 दिन पहाड़ी इलाके में गया हुआ था, नरान, कगान, चोगरान और चलास तक गया, और वापस वहाँ पे मैंने 3-4 प्रोग्राम रिकॉर्ड किए। जब मैं आपका प्रोग्राम रिकॉर्ड करने लगा झील सैफर सॉरी वहाँ पे चोगरान के ऊपर जो सीढ़ी पाए है, वो जो मेडोज है, वो हमजा मैं वो पीछे आपने वो पूरी फिल्म चलानी है वो वाली जहाँ पे मैंने इनका प्रोग्राम शुरू किया, तो वहाँ पे मुझे कुछ दोस्त आ गए, तो मुझे अपनी रिकॉर्डिंग छोड़ के उनके साथ गप लगानी पड़ी। और फिर आपको पता है वहाँ पे भी शाम होते तो ये प्रोग्राम रिकॉर्ड होता होता रह गया। बट इनिशियली मैंने जब एंट्रो दिया था तो वहाँ पे आपका लिब्रा का स्टार्ट किया था, लेकिन अब भी आपको बैकग्राउंड ऐसी मिलेगी जैसे मैं वहीं बैठा हूँ। बैठने झूठ नहीं बोलूँगा, बैठा मैं स्टूडियो में ही अपने। एनी हफ्ते का स्टार्ट आपका बहुत डैशिंग किस्म का होने, तीसरे घर से जाने शुरू हो रहा। तीसरे घर में आपको मैंने इतवार को छोड़ा था जो 12 तारीख को, और वही पोजीशन आपको आगे लेके आते हैं। तो वो तीसरे का लॉर्ड पहले 5वें में देखते हैं क्या कर रहा था क्या नहीं कर रहा। मैं आज सफ़र सारी रात सफ़र किया और ड्राइविंग भी खुद की। मुझे पहाड़ी इलाके में सफ़र करने का बहुत मज़ा है, ड्राइविंग करने का बहुत मज़ा। अप टू मानसरा से लेके अप टू चलास तक मैंने खुद ड्राइव की, और इतनी अच्छी सड़क के सिर्फ आगे एक डैम बन रहा है कगान से आगे, तो वो उस वहाँ पे वो सड़क थोड़ी सी घंटे का रास्ता बहुत बुरा है, बाकी बहुत अच्छे रास्ते हैं, जाएँ ज़रूर आपको वहाँ पे। मैं बड़े अरसे बाद उस तरफ गया, चोगरान तो जाता रहता था लेकिन आगे मैं पहली दफ़ा गया, 83 में गया था, उसके बाद अब गया हूँ, तो लॉट ऑफ चेंजेस थे। सो तीसरे का लॉट आपका 5वें में जब चला जाए तो क्या होता है, आप अपने इलम की रोशनी पे, अपने दिमाग की रोशनी, अपने इंटेलेक्चुअल की रोशनी में, अपने बोलने की सलीहियत की रोशनी में बहुत अच्छा काम निकालेंगे, सफ़र करेंगे, तलीम हासिल करने के लिए किसी दूसरे शहर पे भी जाएंगे, और पब्लिक फिगर बनने की कोशिश, कोई ना कोई टीवी प्रोग्राम करते हुए नज़र आते हैं। दुनियावी और समाजी शोर पाने की ख्वाहिश उभर के आएगी लेकिन पूरी नहीं होगी, तो आपको गुस्सा भी चढ़ेगा क्योंकि यहाँ पे केतु साथ बैठा है, थोड़ा सा आपको मनफी ख्याल आता है, आप गुस्से में आके थोड़े से लूज कमेंट्स भी दे जाएंगे, और आपको अपना कैरियर तब्दील करने का भी दिमाग में बहुत वसवसे चलेंगे। तीसरा घर इंटेलेक्चुअल का है, तो इंतलाजाएँ बड़े अपना यहाँ पे केतु आपके साथ है, तो आपकी सोचों को वो उठा के रखेगा, यहाँ पे आपको वो कहेगा यार नहीं ऐसे नहीं, तो ऐसे कर, शॉर्टकट आपके दिमाग में आएंगे, किस तरह शॉर्टकट करनी है जैसे, तो इस किस्म के वसवसे, इस किस्म की नेगेटिव थाट्स जिस पे आप थोड़ा सा दूसरों को रोनते हुए काम निकालेंगे, इस किस्म के थॉट्स आपके जहन में आएंगे। केतु मशक्कत का लॉर्ड, भाग दौड़ कराएगा उस दिन, कभी आप किधर जाएंगे, कभी किधर जाएंगे, कभी उधर कभी इधर, शाम को थके आ रहे आएंगे और यहाँ पे आन के। एजुकेशन में आप बहुत तिखे होंगे, वर्सेटाइल अडाप्टबिलिटी में दुगना शार्प, पेंसिल कटिए नहीं पेंसिल कटिए उस तरह के होंगे, स्टेमिना बहुत होगा, शार्प ट्रैवलिंग होगी, हमसायों के साथ कोई ना कोई फटा लेंगे, साफीज रात बहुत ही नेगेटिव करेंगे एंकर्स रात अपनी रिपोर्टिंग, और दूसरों को टीज करेंगे, जैसे मैं कहता हूँ लड़ाने की कोशिश करेंगे, मज़े लेते नज़र आ रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन वाले बिजनेस वालों को प्रॉब्लम आएगा, उनकी ट्रांसपोर्टेशन कारोबार वक्ती तौर पर रुकेगा, जिससे उनको काफ़ी लॉसेस हो सकते हैं, जिससे गुस्से में आके वो कोई ना कोई हरकत करेंगे। सिंगिंग कंट्रैक्ट वालों को सिंगिंग मिलेगी लेकिन गला ख़राब रहेगा, उस दिन गाना रिकॉर्ड नहीं हो सकेगा। वर्बल एक्सप्रेशन मार्केटिंग वाले लोग तो कमाल के हो गए होंगे, देखो दो नंबरी दिखा के ख्वाब दिखाएंगे, ख्वाब क्या बात है। आगे चलते हैं, एक्सक्यूज मी, मेरा गला ख़राब हुआ तो आज मुझे माफ़ी दे दीजिएगा, अगर रास्ते में मैं ऐसे करता नज़र आता तो समझे कि मैंने साथ एक्सक्यूज मी भी कह दिया, क्योंकि एक प्रोग्राम में मैंने नहीं बोला तो एक बच्चे ने कमेंट्स दिए थे, अंकल
यहाँ पे आपका बोलना बनता था, एक्सक्यूज मी बेटा, मैंने अब एडवांस रिकॉर्ड करा दिए। इस तरह ना अब आप, मैं वो गया ना बाया इलाके में, तो जितना गंद फैलाया हुआ, तो मैंने एक सवाल किया, मैंने कहा ये आपने झील अपना पक्की सड़क क्यों नहीं बनाई उधर से लेके शोकरा से? कहते हैं हम पाकिस्तानी हैं, जहाँ सड़क पहुँच जाए हम गाड़ियाँ लेके रुथलेसली उस एरिए को तबाह कर देते हैं, लिहाजा सड़क ना बनाई जाए तो बेहतर है। बात तो उसने सही की, झील सैफल मलूक पे जितना गंद पड़ा हुआ था, मैं सोच नहीं सकता कि पाकिस्तानी क्या गंद खोलते हैं। बाहर मेरे एक कलीग है तारक चुपताई, वो मुझे कहते हैं आप मीडिया में आते हैं, आप लोगों को टीच क्यों नहीं करते, यहाँ पे तो कुछ चीज़ फेंकता नहीं नीचे। इंशाल्लाह ताला मैंने काफ़ी इस पे काम किया है, वहाँ पे मूवी बना के लाया हूँ, मिलेंगे लोगों से, रिक्वेस्ट करूँगा। तो लिब्रा अगला 14 और 15 ये भी कमाल के आप कहेंगे, चौथे का लाट पाँचवें घर में है। लिब्रा जल्दी जल्दी मुझे हमसा इशारे कर रहा है कि आप फालतू बातों में ज़्यादा पढ़ गए, तो आप करें तो मैं आपको ताकि टू द पॉइंट आ जाए। लेकिन मेरा इस प्रोग्राम में साथ साथ टीच करना भी बनता है, सिखाना, हमने नहीं सिखाना अपनी नई नस्ल को, और किसने सिखाना है। और चौथा पाँचवें में, और यहाँ पे वालदा आपके लिए बहुत कुछ करेंगी, आपको अपनी मर्ज़ी की यूनिवर्सिटी में दाखिला कराने के लिए अपनी जायदाद बेचने की कोशिश करेंगी, आप पे पूरा जोर लगाएंगी, आप पे मेहनत करेंगे, और आप भी उस रेसिप्रोकल उसमें काफ़ी मेहनत करते रहें। चौथा घर आपको पता है प्रॉस्पेरिटी का, जनरल हैप्पीनेस का, उस दिन आप काफ़ी संजीदा होकर अच्छे अच्छे काम करेंगे, कोई हेरिटेज प्रॉपर्टी आ सकती थी उस पर काम करेंगे, घर की रिपेयर पे काम करेंगे, कोई नई गाड़ी खरीदते नज़र आ रहे हैं, कोई नया घर बनाते हैं, नक्शा बनाते हैं, या घर की कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं, या उस दिन छत पड़ेगी। कैटल्स वाले कारोबार वाले बहुत आगे होंगे, मोरालिटी आपकी बहुत हाई होगी, वेदर बहुत अच्छा होगा, पीस ऑफ माइंड होगा, कोई गुमी हुई चीज़ मिल जाएगी, और जिनका भी बिजनेस होगा वो कमाल का उस दिन, और वालदा का रोल उस दिन बहुत प्ले होगा, बहुत अच्छा होगा। अब मेरे अक्सर नेचर के जिनकी वालदा ना हो, तो बड़ी बहन है, आपकी बेटी है, कोई भी आपका आप रिश्ते, कई ऐसे रिश्ते, खाला है, कोई पुफी है, उनसे दुआ करा लिया करेंगे, वो भी माँ का एक रूप होती हैं, तो लादा ये ना कह करें। मैं अक्सर एक दिन बात की, मैंने कहा कि 9वीं 10वीं मरहम में कहते हैं जब माँ बाप जिंदा होते हैं तो पूछते नहीं हैं, और जब फौत हो गए तो कब्र पर फूल डालने आ जाते हैं। तो आपके माँ बाप अगर ज़िंदा हैं तो उनको टाइम दें, प्लीज़ टाइम दें उनको, और जितना उनके साथ वक्त गुजारेंगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा। आगे चलते हैं 16, 17, 18 लिब्रा कमाल के दिन है, मैं देख के फ़ायदा आपको पहुँच रहा है, खुशी मुझे हो रही है। देखिए मैं कैसे उछल उछल के बात कर रहा हूँ। तो पाँचवें का लॉर्ड पाँचवें का यहाँ पे पाँचवें का लॉर्ड पाँचवें घर में, या इससे बड़ा एडवांटेज आपको उस दिन नहीं मिल सकता। आगे आपकी किस्मत, अगर आपका इंडिविजुअल हॉरोस्कोप ना ख़राब हुआ, नहीं तो फायदे ही फायदे, फायदे ही फायदे। आप बहुत सेंसिटिव होंगे, बहुत ज़्यादा, और अपनी अकल को, ये जो जो ऊपर अपर स्टोरी में पड़ी है, उसको बुरे कार लाते हुए अपनी मर्जी करेंगे, और हर किस्म की मौज मस्ती, दोस्ती और दोस्तों से तल्लक, बच्चों से रोमांस, जवानी के खेल कूद, ये वो सारा काम आप उसी तरह ही करेंगे जैसे बच्चे की तरह करेंगे। कमाल के दिन होंगे आपके, बगैर कोशिश के हासिल होने वाली रकूम अचानक लॉटरी में फैल, कोई ना कोई ऐसा एडवांटेज मिलेगा जहाँ पे, मसलन आपकी ज़मीन है वहाँ से मोटरवे गुजर जाती है, 100 रुपये की चीज़ 1 लाख रुपये की बन जाती है, इस किस्म के एडवांटेज मिलेंगे। वो तमाम काम जो दोस्तों यारों से मिलकर करेंगे उसमें कामयाबी मिल जाएगी। ये 3 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके हर वक्त चेहरे पे खुशी झलकती रहेगी। अब मैं 5 दिन बाहर गुजार के हम मोबाइल बंद था तो चेहरे पे वाकई वहाँ पे खुशी रही, हर अदा में एक मस्ती नज़र आएगी, जुनूनियों की तरह काम करेंगे। हमजा मेरे थोड़े से क्लिप्स लगा देना, क्योंकि उस दिन मेरा भी पाँचवें का घर था, तो मेरी शक्लें कैसी थी उस दिन, तो पूरी तरह मुस्तदी और चुस्ती और दिखाने की कोशिश करेंगे। जिस काम में भी हाथ डालेंगे वो काम मुकम्मल होगा, प्यार और मोहब्बत से नाम कमाएंगे, खुद की मेहनत से शोहरत हासिल करेंगे, आपके बच्चे और दोस्त भी आपको बहुत उठा के रखेंगे। अब पांचवा घर आपको पता है एजुकेशन का भी है, वहाँ पे भी एडवांटेजेस है, लॉटरी सिट्टा जुए में भी एडवांटेज है, नॉलेज ऑफ अपना एंटरटेनमेंट, अम्यूजमेंट, बैटिंग, सैर सपाटा, हर चीज़ में आपको बहुत एडवांटेजेस मिल जाएंगे। तो यहाँ पे 2 चीज़ों का ख्याल रखना है, एक डिले और एक काम कोई ना कोई रुक के आएगा तो उसको परेशान नहीं होना,
ट्रैफिक फंस सकती है, गाड़ी पंक्चर हो सकती है, या कोई ना कोई डिले, कोई बंदा आके बैठ जाएगा, वो आपको आपका टाइम का सत्यानाश करेंगे। यहाँ पे जुपिटर और मून का कम्बिनेशन बड़ा अच्छा बना हुआ है, तो बड़े ऑप्टिमिस्टिक होंगे और ज़हनी तौर पर पुरसकून होंगे, सिंपेथेटिक होंगे, वार्म हार्टेड होंगे और आर्टिस्टिक टेंडेंसी होगी, बड़े अच्छे अच्छे खाने खाएंगे और भूख बहुत लगेगी आपको उस दिन, और बहुत ही उस पर करेंगे, बच्चों के साथ खेलते नज़र आ रहे हैं, बच्चों के साथ बच्चे बनते नज़र आ रहे हैं। तो ये तीन दिन एंजॉय कीजिएगा आपने लिब्रा, और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अब आगे आ जाए लिब्रा मून आपके छठे घर में, और छठे घर लॉर्ड पाँचवें घर में, और यहाँ पे भी कोई ऐसी खरमस्ती होती नज़र आती है कि नहीं आती, देखते हैं, क्योंकि यार इस दफ़ा आपका पांचवा घर बहुत एक्टिव हुआ हुआ है, और जब छठे का लॉर्ड पांचवें घर में जाता है तो दोस्तों के साथ मिलके पैसे खर्चने, याशियाँ करनी, खरमस्ती और सैर तफरी पे पैसे खर्चते नज़र आ रहे हैं। यहाँ अपनी कमाई और दौलत से आपको कोई ना कोई फ़ायदा उठाएंगे। यहाँ पे एक और काम भी नज़र आता है, वो जो माँ बाप हैं लिब्रा बड़े, वो जो अपना पेट काट काट के अपने पैसे जमा किए होंगे, वो बच्चों पे खर्च करते नज़र आ रहे हैं, और बच्चों को अपने उनको एजुकेशन की तरफ तवज्जो देंगे। बड़े उस दिन सीरियस किस्म का माहौल होगा, बच्चों के बारे में सोचेंगे। अच्छा, वो लोग जो सर्विस करते हैं उस दिन, उनके ऑफिस में से उनको कोई ना कोई असाइनमेंट, ऑनलाइन जॉब या ऑनलाइन काम, या दफ्तर जाना पड़ जाएगा, कोई घर बैठ के फारग नहीं बैठते नज़र आ रहे, और कोई ना कोई उनको काम की फटीक पड़ जाएगी, ओवर टाइम करते नज़र आ रहे हैं। लिहाजा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अच्छा दिन होगा, शाम को बड़ी अच्छी नींद आएगी। सो लिब्रा, मेरे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज़।